छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंदेली का प्रदेश में इन दिनों आगामी चुनावी की चर्चा आम बात है, लेकिन एक दूसरे ही प्रकार की चर्चा इन दिनों जयजयपुर क्षेत्र में आम हो चुकी है और वह है सरपंच सचिवों के द्वारा हो रहा भ्रष्टाचार, जिसका जीता जागता उदाहरण है ग्राम पंचायत नंदेली। यहाँ यूं तो महिला सरपंच सेवतीबाई साहू है, लेकिन सारा का सारा काम उनके पति मनहरन साहू के द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता है, जिसमें ना तो जनता की राय ली जाती है और ना ही सभी पंचों की राय ली जाती है, जिससे कि नंदेली ग्राम का विकास पिछले 15 सालों से अटका पड़ा है, क्योंकि मनहरन साहू पिछले 15 वर्षों से नंदेली ग्राम में सरपंच की भूमिका निभाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, गांव की सड़क की हालत ऐसी है कि उनसे पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है, जिससे कि गांव के लोग काफी नाराज हैं और मायूस नजर आते हैं। ग्रामवासियों की शिकायत है कि उक्त सरपंच ने अधिकतर लोगों के घरों में शौचालय निर्माण नहीं होने या अधूरा निर्माण होने के बावजूद ग्राम पंचायत नंदेली को ODF घोषित करा लिया और खिलाड़ियों को प्राप्त होने वाली राशि स्वयं हड़प ली। जी हाँ, भ्रष्टाचार की हद तो देखिए कि ग्राम के 5 पंचों के यहाँ भी शौचालय निर्माण नहीं करवाया गया है और ग्राम पंचायत को ODF घोषित करवा दिया गया है। इस बात की जब सरपंच पति से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मैंने बनाने के लिए बोला था और बाकी मैंने ठेका थोड़ी ना ले लिया है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब पंचों का ही शौचालय निर्माण नहीं हुआ है तो बाकी अन्य लोगों का कहाँ तक निर्माण हुआ होगा। जब यह स्थिति है तो किस आधार पर ग्राम को ODF घोषित किया गया? क्या इसमें सिर्फ सरपंच और सचिव ही दोषी हैं? क्या संबंधित उच्च अधिकारी दोषी नहीं है? क्या आम जनता ऐसे ही ग्रसित होती रहेगी? ऐसे अनेकों सवाल इस पंचायत के कार्य को देखते हुए उठता है, जिसके जवाबदार पंचायत सरपंच एवं सचिव के साथ साथ संबंधित उच्च अधिकारी को देना पड़ेगा, जो की जनता मांग रही है। जी हाँ, ग्रामीणों ने बताया कि उक्त समस्याओं के संबंध में हमने जिला CEO, SDM और कलेक्टर को भी आवेदन देकर शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुस्साए ग्रामीणों ने मांगों को लेकर CEO को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द सरपंच सचिव के खिलाफ हुई शिकायत की जांच नहीं होने की दशा में आगामी 9 दिसंबर को मुख्य मार्ग नंदेली में चक्का जाम किया जाने की बात कही गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अधिकारीगण जांच की प्रक्रिया कब पूरा करते हैं और उचित कार्रवाई करते भी हैं या नहीं। ना परिचय देंगे? सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार चंद्र है, मैं ग्राम नंदेली से हूँ। क्या शिकायत लेकर आए हैं जनपद कार्यालय? सर, शौचालय निर्माण की शिकायत लेकर हम लोग बार बार आ चुके हैं और कोई प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जो मतलब कि 12,000 रुपया शासन द्वारा दिया गया है उसमें से 12,000 नहीं दिया गया है, मात्र 9,000 कुछ विधायकों को दिया गया है और अधिकांश लोगों के यहाँ अभी तक बना ही नहीं है। आपके गांव में? हाँ। तो आपका गांव ODF घोषित हो चुका है? ODF घोषित कर दिए हैं सरपंच सचिव। तो बाकी क्या? और लगभग न अधिकांश पंच के घर भी शौचालय नहीं है। तो उसके बारे में कहाँ कहाँ शिकायत की है आप लोग? उसके बारे में हम लोग 2 बार जनपद पंचायत CEO को दे चुके हैं और जिला कलेक्टर को दे दिए हैं और जिला CEO को दे दिए हैं। तो अब तक कोई कार्रवाई? और SDM साहब को भी दे दिए। अब तक कोई कार्रवाई हुई है? अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आगे कुछ करने का है और आप लोगों को? सर, हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं 7 तारीख तक उचित कार्रवाई करने के लिए। यदि 7 तारीख तक उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जनपद पंचायत घेराव 8 तारीख को करेंगे। भास्कर कुमार यादव। अच्छा, काय समस्या बता रहा अपन? अब गांव के सरपंच पति है बोले इसे कि अगर बाथरूम नहीं बनवा तो राशन कार्ड कार नहीं करके तो हमन अपन अपन पैसा कर्जा बोरी करके हमन बाथरूम बनवा हन। तो एक नंबर के पंच आए से देखे बर फोटो खींचे बर तो अंधियार है कहके कहीस और फोटो नहीं खींची तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा कहीस। तहाले अब हमन गेहन तो नहीं मिली पैसा, अभी तक न मिले है, न बाथरूम के फोटो खींचे है, न कुछ नहीं, अंधियार है कहीं। सरपंच क्या बोलते? सरपंच कहते तो नहीं मिले कहते। 19 वार्ड के मोर यहाँ बाथरूम कुछ नहीं बने, प्लस राशन कार्ड भी नहीं बने, मोर 1 साल हो गए कार्ड तो कट गए, प्लस सरपंच 3 बार दे जा रहे हैं वो भी नहीं बने। सुहूल ये तो बन जा कहते आज तक नहीं बने, ना बाथरूम के कुछ नहीं हो अभी। तो आप पंच फिर भी आपके यहाँ शौचालय निर्माण नहीं हो? नहीं हुए। आपे के और भी गांव के आवासी थे मन के नहीं बने? और कई एक जन हाँ मोर सही।
तो सरपंच क्या बोलते कभी पूछे कुछ? अभी अभी भी कहें, कई बार बोल दे रहे तो हाँ नहीं लगा ऐसा है वैसा है का ऐसे, तो हाँ बस टाल देते बनाए शौचालय लाए और जाथन सरपंच करा तो आज दिहा काल दिहा कथे तो आज सब मार ली और कई सब मार हो गए नहीं देव बिहन है घर लागी से मोर घर वाला गिर से महूच का दारे और देवे नहीं करते कौन जने निकाल के खा भी दारे है तो का करे है हम गरीब आदमी हैं अब बना दा रहे हैं भाई। क्या था शौचालय तुम्हारे घर में? दो ठन एको ठन के नहीं पाए हमन। साधुराम साहू ग्राम पंचायत नंदेली सरपंच का पति हूँ उसका प्रतिनिधि। शौचालय का कुछ का पैसा डला गया है, कुछ का पैसा हम लोग दे दिए हैं और जो बाकी बचा हुआ है आज कंप्लीट हो जाएगा। रही दूसरा बात प्रधानमंत्री आवास, हम किसी के पास एक रुपया नहीं लिए हैं। राशन के बात काट के बात हुआ, हम एक रुपया किसी से नहीं लिए हैं। और जो पेंशन का हम जो फार्म भरते हैं उसका हम खुद पैसा लगा के स्वीकृति करवाते हैं, इसीलिए हम लोग तीन पंचवर्षीय हो गया जीतते जीतते। आपके पंच लोगों का तो शौचालय नहीं बना है? सबका बना है और नहीं बना है तो वो समझे भाई, हम थोड़ी बनाए जाएंगे उसका। बोलते हैं बनवाओ पैसा हम देंगे करके, उसमें स्वीकृति हो जाता है, नहीं बनाए तो हम उसके जवाबदारी थोड़े ले रहे हैं। अच्छा कन्या विद्यालय में यहाँ है आवेदन जो है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है। उनको निर्देशित किया गया है कि जितने शौचालय स्वीकृत है प्रत्येक एक एक का गिनती करके करें और जो भी हितग्राही हैं उनसे गिन लेंगे वो। और कई अपना खुद का जो बनवाया है शौचालय उसमें का तो बनवाया नहीं सर, दीवार खड़ा खड़ा कर दिया है बस कई से घर के शौचालयों का। जी तो उनका यदि उस हितग्राही का नाम था उस सूची में तो जो हितग्राही जितने का जो किया है उनका मूल्यांकन करा के उतने राशि का पूरे भुगतान नहीं करा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।